कि कुछ लुट गया कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया कुछ मिटा दिया, और मोहब्बत में कुछ यूं नुमाइश हुई मेरी, हमें जिंदा लाश बनाकर कब्र में दफना दिया। और मैं थोड़ा मोहब्बत के ऊपर बोलना चाहूँगा कि दो अल्फाज मैं लबों से कहना चाहता हूँ, जी मैं आपके दिल में रहना चाहता हूँ, तुम्हारा हर दर्द हर गम सह लेना चाहता हूँ, मैं तुम में तुम बन कर रहना चाहता हूँ, तुम्हारी सारी तकलीफें मैं रख लेना चाहता हूँ, मैं आपके टूटे हुए दिल में एक छोटा सा कोना चाहता हूँ, विश्वास करो मेरा मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा, अगर नहीं यकीन तो अपने नाम से पहले तुम्हारा नाम लिखूँगा, और अब बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा बन के रहना चाहता हूँ। कि हैं दफन मुझ में कितनी हसरतें मत पूछ, कि हैं दफन मुझ में कितनी हसरतें मत पूछ, उसे बिना बदनाम किए उसकी असलियत लिख दूं, वो नज्म हूं मैं। और एक की मेरी तमन्ना ना थी तेरे बगैर जीने की, कि मेरी तमन्ना ना थी तेरे बगैर जीने की, लेकिन मजबूर को मजबूर की मजबूरियां मजबूर कर देती हैं। वो था ना कि हमारी वाली तो विवाह थी, लेकिन कहता कि हमारे लिए उसका नेचर क्या एकदम प्योर रहता, भाई प्यार तो रहता ही है, नफरत नहीं हो पाती कभी। तो इसी पर था कि दो लाइनें कि एक शाम मैं चांद से तेरा जिक्र कर रहा था, कि एक शाम मैं चांद से तेरा जिक्र कर रहा था, जब जब वफादार कहा तुझको चांद हंसता गया मुझ पर। देखो एक शायर का और एक ऑडियंस का रिश्ता कैसा होता है। एक शायर क्या करता है कि भाई देखो उसे दर्द बांटना होता है तो वो सुनाता है, तो उसी के बाद कुछ लाइन है कि मैं लिखता हूँ क्योंकि मैं अपना दुख बांटना चाहता हूँ, तुम पढ़ते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे दुखों को जानता है, और इस तरह एक शायर कुछ इस तरह एक दूसरे का हम दुख बांट लेते हैं। एक मेरे यार के लिए कि मैं थोड़ा भी परेशान दिखूँ तो वो दुनिया पलटने को तैयार हुआ करता था, हाँ यार कुछ इस तरह का मेरा भी यार हुआ करता था। होता नहीं जब गलतफहमियाँ बढ़ जाती हैं तो हम कुछ बोलते हैं वो कुछ समझते हैं, तो उसी को दो लाइन है कि दूरियाँ जब बढ़ी तो गलतफहमियाँ भी बढ़ गईं, फिर उसने वो भी सुना जो मैंने कभी कहा ही नहीं। और एक शायर के लिए खास बात की यकीन मानो अगर दर्द बयां होता तो मैं लफ्ज़ों से जनाजे उठा देता जनाजे। और ये आखिरी की मैं जिंदा तमाशा हो रहा हूँ, कितना कीमती था सादा हो रहा हूँ, तुझे क्या मेरी परवाह तक नहीं यार, मैं तेरी फिक्र में ही आदा हो रहा हूँ। और देखो हम शायर हैं तो सिगरेट तो पीते ही हैं, तो उसके ऊपर दो लाइन है कि अफसोस तेरी याद में कितनी सिगरेटें खाक कर दी मैंने, कि अफसोस तेरी याद में कितनी सिगरेटें खाक कर दी मैंने, अफसोस तेरी याद का एक कतरा तक नहीं जला मुझसे। और एक जॉन साहब की अरे क्या था कि बहुत से गम थे मुर्शद जिंदगी में, कि बहुत से गम थे मुर्शद जिंदगी में, अगर सिगरेट ना पीते तो मर जाते।